प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को हम लोग बनाना सीखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है हमें डिफरेंशिएट करना है लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को। हम लोग इसको गिवन फंक्शन को सपोज वाई मान लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, गिवन फंक्शन लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, देखिए हम लोग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स की जगह पे पुट अप करते हैं कुछ भी, ऐसे क्वेश्चन को बनाना आसान हो जाता है। हम लोग करते हैं पुट कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इजकल टू जेड सपोज। ठीक है, अभी देखिए आपका जो गिवन फंक्शन था वो वाई और एक्स में था, ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है वाई इजकल टू लॉग जेड। ठीक है, इसके जगह पे हमने जेड पुट अप कर दिया है, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स के जगह पे जेड, तो हमारा लॉग जेड बन गया ये। ठीक है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आप लोग को बताया है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, डी वाई ऊपर लिख दीजिए, डी एक्स यहाँ पे डायगोनली अपोजिट नीचे में लिख दीजिए। जो भी वेरिएबल्स को आपने माना है, किसको माना है, देखिए हमने इस क्वेश्चन में जेड को माना है, चुपचाप डी जेड इधर कॉर्नर में और इधर कॉर्नर में लिख दीजिए। अगर आप दो वेरिएबल मानते हो, एक और फंक्शन का मानते हो, तो उसको भी हम लोग ऐसे ही अरेंज करेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देखिए अब हमें डी वाई बाई डी जेड निकालना है, तो डी वाई बाई डी जेड हमें कहाँ से आएगा, देखिए इसको अगर हम जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या दे देगा, डी वाई बाई डी जेड दे देगा। तो हम लोग निकालते हैं, तो वाई इजकल टू लॉग जेड है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू जेड, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी जेड, और राइट हैंड साइड में लॉग जेड हो जाएगा हमारा वन बाय जेड। लॉग का क्या होता है, वन बाई जेड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा डी वाई बाई डी जेड आ गया। अभी हमें सेकेंड फंक्शन जो है डी जेड बाई डी डी एक्स, इसका हमें निकालना है। देखिए यहाँ पे आपने जो माना है, अगर हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारा डी जेड बाई डी एक्स आ जाएगा, तो हम लोग कर लेते हैं। तो हमारा है कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इजकल टू जेड है ना। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और राइट साइड में आपका क्या आ जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इजकल टू डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, इसके वैल्यू को और इसके वैल्यू को हम लोग पुटअप कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू डी वाई बाई डी जेड, तो वन बाई जेड क्या आ जाएगा, वन बाई जेड और इंटू डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स हमारा ये आ गया, देखिए माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको हम लोग जेड के जगह पे इस वैल्यू को दोबारा लिख देते हैं, तो हमारा आ जाएगा वन बाय कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, ये तो डिनोमिनेटर में हो गया, और न्यूमरेटर में हमारा इसमें देखिए कोसेक एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे ही आप कोसेक एक्स कॉमन लोगे तो आपका क्या बच जाएगा, माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, और प्लस कोसेक एक्स प्लस, सॉरी यहाँ यहाँ पर कॉट एक्स बचेगा, यहाँ पे आपका कॉट एक्स बचेगा, कॉट एक्स, और इधर बच जाएगा आपका कोसेक एक्स। ठीक है, अभी देखिए कोसेक एक्स डिनोमिनेटर में भी आपका है, न्यूमरेटर में भी है, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच क्या जाएगा, कोसेक एक्स, क्या बच जाएगा, कोसेक एक्स, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। गुड डे।